नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई और नई कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मुग्धा सुबह से रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी उसका पति अशोक झुंझलाते हुए रसोई में आया और गुस्से से तमतमाते हुए पूछने लगा, परसों मैंने तुम्हें एक फाइल संभाल कर रखने के लिए दी थी ना, वो तुमने कहाँ रखी है? मुग्धा ने कहा, वो तो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कबर्ड में रख रही हूँ, अशोक चीखते हुए बोला, लेकिन अभी वह कबर्ड में नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मेरी चीजों को संभाल कर रखा करो, लेकिन तुम इतनी लापरवाह हो कि कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती हो। मुग्धा ने सब्जी छोंक कर गैस को सिम पर किया और बोली कि चलिए मैं आपको फाइल ढूंढ कर देती हूँ। वो अपने कमरे में गई तो कबर्ड खोल कर उसने देखा तो फाइल वहां पर नहीं थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने फाइल तो वहीं रखी थी। फिर वो फाइल को इधर उधर ढूंढने लगी तो उसका पति कहने लगा कि देखो कितनी लापरवाह हो तुम, तुम्हें तो यह भी नहीं पता है कि तुमने फाइल रखी कहाँ है। मुग्धा भी फाइल ढूंढते हुए परेशान हो गई थी और थोड़ी डर भी रही थी, क्योंकि अशोक को बहुत जल्दी गुस्सा आता था और गुस्से में वह यह भूल जाता था कि उसके सामने कौन है। परेशानी के कारण मुग्धा के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। वह जल्दी जल्दी फाइल ढूंढ रही थी, तभी उसे याद आया कि रसोई में चूल्हे पर सब्जी है। वह दौड़ती हुई रसोई में आई, गैस बंद कर वो वापस कमरे में आने लगी। अशोक कहने लगा, एक तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और तुम्हारे तमाशे ही खत्म नहीं हो रहे हैं, अभी तक नाश्ता भी नहीं बना है, ऊपर से मेरी फाइल भी गायब है। मुग्धा ने हकलाते हुए कहा, लेकिन मैंने फाइल तो यहीं रखी थी। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर अशोक का पारा और भी चढ़ गया और वो कहने लगा, तुम औरतों का तो यही है बस, कोई काम करने का ढंग तो होता नहीं है, बस आंसू बहा दो। मुग्धा सिसकने लगी तो अशोक ने उसे खींचकर एक तमाचा मार दिया। मुग्धा अपने गालों पर हाथ रखे हुए सिर झुकाकर आंसू बहाने लगी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह फाइल कहां से ढूंढ कर दे। तभी उसकी सासू माँ प्रभाजी कमरे में आई और कहने लगी कि अरे बेटा, तब से शोर मचा रखा है तुमने, कहीं यह फाइल तो नहीं है? अशोक ने देखा उसकी माँ फाइल लेकर खड़ी थी। अशोक ने पूछा, माँ ये फाइल आपके पास कैसे आई? प्रभाजी बोली, बेटा कल रात तुम मुझसे बात करने के लिए कमरे में आए थे ना, तब तुम्हारे हाथों में यह फाइल थी और तुमने मेरे टेबल पर रख दी थी। अशोक लापरवाही से सिर झटकते हुए बोला, चलो ठीक है, फाइल मिल गई तो अच्छी बात है। इतना कहकर वो फाइल लेकर बाहर निकल गया और मुग्धा से क्रोधित स्वर में बोला, अब नाश्ता तुम ही कर लेना, वैसे भी तुमसे समय पर काम होता कहाँ है, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। इतना कहकर अशोक तमतमाते हुए बाहर चला गया। मुग्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। एक तो उसकी कोई गलती नहीं थी, ऊपर से जब फाइल मिल गई तब भी अपने दुर्व्यवहार के लिए उसने कुछ कहा ही नहीं, जैसे कि पत्नी को डांटना फटकारना उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। मुग्धा को रोते हुए देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे बहू अब रोना धोना छोड़ो, मर्दों को तो गुस्सा आ ही जाता है, अब जाओ रसोई में जाकर नाश्ता बनाओ, नहीं तो हमें भी नाश्ते के लिए देर हो जाएगी। मुग्धा रुधे गले से बोली, माँ जी मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे थप्पड़ तक मार दिया। प्रभाजी लापरवाही से बोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, गुस्से में अगर एकाध थप्पड़ लगा भी दिया तो क्या हो गया, पति ही तो है ना तुम्हारा, जब वह खुश रहता है तो तुमसे प्यार भी तो कितना करता है। मुग्धा मन ही मन सोचने लगी, यह कैसा प्यार है, प्यार की तो एक सीमा है, एक सीमा से आगे बढ़कर वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गुस्से में तो उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहता है कि वो कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। मैं क्या कोई निर्जीव वस्तु हूं कि वो इस तरह मुझ पर अपना गुस्सा उतार लेते हैं और अपमान करके चले जाते हैं, एक शब्द भी नहीं कहते कि हाँ मुझसे गलती हो गई। मुग्धा की शादी को 6 महीने हो चुके थे, 2-3 महीने तो ठीक ठाक निकले थे, लेकिन उसके बाद से उसे उसके पति का असली रंग ढंग दिखने लगा था। उसका पति बहुत गुस्सैल किस्म का इंसान था, वह बात बात पर पत्नी का अपमान कर देता था, कभी भी उस पर हाथ उठा देता था। मुग्धा ने जब अपने मायके में यह बात बताई तो सबने कहा कि शुरुआत में झगड़े होते हैं, बाद में सब ठीक हो जाएगा। मुग्धा उसी पल के इंतजार में थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि कोई भी स्त्री अपनी गृहस्थी को टूटते हुए नहीं देखना चाहती और इसके लिए वह अंत तक प्रयास जरूर करती है। हाँ, लेकिन अब प्रयास करते करते उसे अपने पति से बहुत डर लगने लगा था।
अब वह उससे प्यार और सम्मान की उम्मीद नहीं कर रही थी, बल्कि वो बस इतना ही चाहती थी कि अशोक को गुस्सा ना आए, ताकि गुस्सा आने के बाद जब वह उत्पात मचाता था उससे मुग्धा बचे रहना चाहती थी। एक दिन मुग्धा बाजार गई हुई थी। बाजार में उसे उसकी सहेली मिल गई। उससे बातें करते हुए थोड़ी देर हो गई। अशोक घर आ चुका था और वह गुस्से में चहलकदमी करते हुए मुग्धा का इंतजार कर रहा था। मुग्धा जैसे ही आई, उसने बिना कोई सवाल जवाब किए अपनी मर्दानगी के दंभ में ताबड़तोड़ अपनी पत्नी पर तमाचे बरसाने शुरू कर दिए और कहने लगा कि इतनी देर तक बाहर आवारागर्दी करती रहती हो, दो सामान लाने गई थी तो तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। मुग्धा इस आघात से अवाक रह गई, ना कुछ पूछा ना कुछ जाना और बस आकर मारना शुरू कर दिया। मुग्धा रोते हुए कहने लगी, बाजार में मेरी सहेली मिल गई थी इसीलिए देर हो गई, आप मुझे मार क्यों रहे हो। अशोक ने गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें पति से ज्यादा जरूरी सहेली है क्या। बेवकूफ कहीं की, मैं यहाँ इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कब आओगी और तुम वहाँ गप्पे लड़ा रही हो, मुझे क्या पता कि वह तुम्हारी कोई सहेली थी या कोई पुरुष मित्र। इतना सच सवर कर कहाँ गई थी, बाजार गई थी या किसी लड़के से मिलने के लिए गई थी। वो ये आरोप सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू रुक गए थे। वो अपने पति को क्रोध से घूरने लगी तो अशोक नथुने फुलाते हुए कहने लगा, नीचे देख इस तरह घूर क्यों रही है। तभी प्रभा जी वहां आ गई और कहने लगी, जाने दे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसे रसोई में जाकर नाश्ता बनाने दे, वैसे ही देर हो गई है। अशोक गुस्से में उफनता हुआ घर से बाहर चला गया और कहने लगा, नहीं चाहिए मुझे इसका नाश्ता, मैं जा रहा हूँ बाहर अपने दोस्तों के साथ ही समय बिता लूंगा, घर में तो दो पल भी सुकून नहीं मिलता है। मुग्धा सोचने लगी, मैंने दो पल अपनी सहेली से बात कर लिया तो इन्हें बुरा लग गया, मेरे चरित्र तक पर उंगली उठ गई और यह दिन रात अपने दोस्तों से घिरे रहते हैं, घंटों घर से गायब रहते हैं, तब इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। अशोक के जाते ही मुग्धा फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। प्रभा जी उसे समझाते हुए कहने लगी, देखो बहू, मर्द तो ऐसा करते ही हैं, तुम इतना तमाशा क्यों कर रही हो। मर्द बाहर जाकर काम करते हैं ना, तो तनाव पत्नी पर ही निकलता है। तुम मेरे बेटे को पापा बनने का सुख दे दो, फिर देखना उसका व्यवहार कैसे बदलता है। तुम तो सब भूल कर बस माँ बनने की कोशिश करो। मुग्धा आंखें फाड़ कर सास की बेतुकी बात सुन रही थी। प्रभा जी आगे बोली, मेरी बात मानो, तुम एक बार मेरा वंश आगे बढ़ाने वाला पोता ला दो, फिर देखना मेरे बेटे का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति बदल जाएगा, वह तुम्हें खूब प्यार करेगा। मुग्धा ने व्यंग से पूछा, अच्छा और इस बात की क्या गारंटी है कि पोता ही आएगा। प्रभा जी फुसफुसाते हुए बोली, अरे बहू उसकी चिंता तू मत कर, मैं तुझे बाबा जी के पास ले चलूंगी, वह तुझे भभूत देंगे ना तो तुझे पक्का बेटा ही होगा, फिर भी कोई भूल चूक हो ही गई तो हम जांच करवा लेंगे ना, फिर चाहे जो करना पड़े, मुझे तो पहली संतान पोता ही चाहिए। सास की यह बात सुनकर मुग्धा का खून खोल उठा। वह चीखते हुए बोली, बस करिए ससुमा, आप कुछ भी बकवास किए जा रही हैं और मैं तब से सुन रही हूँ। सबसे पहली बात तो यह कि आप कह रही हो कि मैं माँ बन जाऊंगी तब मेरा पति मुझे प्यार करेगा। क्यों, क्या बच्चे के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। पत्नी हूँ मैं आपके बेटे की, क्या इस रिश्ते का मान रखते हुए वो मुझे थोड़ी सी इज्जत भी नहीं दे सकते, जो दिन रात मुझे मारते पीटते रहता है। क्या मैं कोई पत्थर हूँ कि जब जी चाहा तब ठोकर मार लिया। और दूसरी बात कि आपको पोता ही चाहिए, यदि गलती से बेटी हो गई तो मेरी तो दुर्गति ही कर दोगे आप लोग। जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता, वैसे इंसान के बच्चे की माँ बनना मुझे स्वीकार नहीं। आप अपने बेटे की गलती होने के बावजूद मुझे ही समझाती हैं, मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपका बेटा कभी नहीं बदलने वाला, आप रहिए अपने बेटे के साथ, मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। ना मुझे माँ बनना है और ना आपके बेटे की पत्नी बनकर रहना मंजूर है। इतना कहकर मुग्धा धड़धड़ाते हुए अपने कमरे में गई। उसने आनन फानन में अपना सारा सामान समेटकर एक बैग में पैक किया और मजबूत कदमों से वह घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली गई। प्रभा जी ने उसे रोकने की लाख कोशिश की लेकिन मुग्धा ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसे पता था कि आने वाली जिंदगी संघर्षों से भरी होगी, लेकिन ऐसी छोटी सोच रखने वाले ससुराल वालों के साथ रहने से अच्छा उसने एक संघर्षपूर्ण जीवन का चुनाव करना बेहतर समझा था। वो ऐसे रिश्ते में रहकर अपने पूरे जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, यदि कोई इंसान अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो क्या उसे बाप बना देने भर से उसका व्यवहार बदल जाएगा।
क्या मुग्धा ने जो फैसला लिया वह सही था या उसे माँ बनकर देखना चाहिए था कि उसका पति बदलता है या नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।